आप सभी लोगों को मालूम होगा कि हमारे देश के किसान तीन कृषि कानून को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे, और आपने देखा है कि तीनों कृषि कानून वापस भी लिए गए हैं, लेकिन आपने देखा है कि फिर भी किसान आंदोलन वापस नहीं ले रहे हैं। आखिर क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि उनका कहना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP को कानूनी गारंटी दी जाए। अब आपके मन में ये आता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य होता क्या है आखिर? तो आपको बता दूं, मान लीजिए गेहूं की बुआई के पहले ही न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दिया जाता है, यानी कि कहने का मतलब है कि कह दिया जाएगा कि इतने रुपए किलो या इतने रुपए क्विंटल आपकी गेहूं खरीदी जाएगी। अगर आपको बाजार में उससे ज्यादा भाव मिलता है जो सरकार ने निर्धारित किया है, तो आप बाजार में भी बेच सकते हैं, वरना आपके पास ऑप्शन है कि सरकार ने जो मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया हुआ है वो आप सरकारी मंडियों में जो आप देखते हैं ना सोसाइटी, उसमें दे सकते हैं, और उससे कम में आपका नहीं बिकेगा वहां। तो इसको लेकर आप देखिए कि एक तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और आपको बता दूं, हमारे देश में एक तरह से आप कहिए कि ना के बराबर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आपकी फसलें बिकती हैं। आप देखते होंगे गांव में, आप लोगों के पास अगर जमीन होगी, आप लोग खेती किसानी से जुड़े होंगे, तो आपको मालूम होगा कि आपके यहाँ जो बिचौली होते हैं, व्यापारी होते हैं, सेठ होते हैं, आप इन्हें दे देते हैं, और आपने ये भी देखा होगा कि आप सरकारी मंडियों तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इस पर हम लोग, MSP क्या है आखिर, न्यूनतम समर्थन मूल्य होता क्या है, इसके बारे में और भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, उन्हें भी हम लोग एक एक करके देख लेंगे। पहले आप लोग तीन कृषि कानूनों को जान लीजिए। एक तो आप लोगों को मालूम होगा, कृषि उत्पादन और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक अधिनियम 2020। पहले आप देखिए, एक विधेयक यहां शब्द मैंने यूज किया हुआ है। आपको बता दूं कि लोकसभा राज्यसभा में जब तक कोई बिल आता है, बिल रहता है, कोई प्रस्ताव रहता है, तो उसे आप लोग विधेयक कहते हैं, और जैसे ही इन दोनों से पास होता है, राज्यसभा लोकसभा से, और राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं, राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, वो कानून में तब्दील हो जाता है। एक आपका था किसान सशक्तिकरण और संरक्षण मूल आश्वासन और सेवा कृषि सेवा अधिनियम 2020। एक था आपका आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। इन तीनों कानूनों को वापसी ले लिया गया है, याद रखिएगा। अब बात आती है MSP की। तो प्रधानमंत्री द्वारा कृषि बिलों को वापस किए जाने की घोषणा के उपरांत कृषक जो संगठन है यानी कि संघ है, इनके द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य को नियमित और स्थायी किए जाने तक विरोध को जारी रखने की बात कही गई, यानी कि कहा गया है कि इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक कानून बनाइए आप लोग, कि अगर कोई इससे सरकार जो निर्धारित कर देती है उससे कम में कोई अगर खरीदता है तो उस पर कुछ एक तरह से आप देखिए कि सजा का प्रावधान हो सकता है, जुर्माना का प्रावधान हो सकता है, और इससे आप देखिए कि देश के किसानों की हालत सुधरेगी। जो आप गांव में देखते हैं ना कि ना के बराबर एक तरह से आपकी फसलें खरीदी जाती हैं, वहां के किसानों की भी आप कहिए एक तरह से सुरक्षा होगी और उनकी भी स्थिति अच्छी देखने को मिलेगी। वरना आप सभी जानते हैं कि देखिए बुंदेलखंड वाला क्षेत्र देख लीजिए, बघेलखंड वाला क्षेत्र देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, आए दिन आप सभी सुनते रहते हैं कि यहाँ सबसे ज्यादा किसानों के द्वारा आत्महत्याएं की जाती हैं। कभी आप देखते हैं बरसात आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी आपने देखा है कि तूफान इस तरह की आप देखते हैं बाढ़ आ जाती है, उनकी फसल बर्बाद हो जाती है। अगर हम लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करें MSP की, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा कृषि बाजारों में हस्तक्षेप का एक माध्यम है, जो कृषि बाजारों में आए हुए उताव चढ़ाव से किसानों का संरक्षण यानी कि सुरक्षा करता है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य को हरित क्रांति के दौरान 1966-67 में गेहूं के लिए आरंभ किया गया था, सबसे पहले गेहूं के लिए आरंभ किया गया था। अभी आप सभी लोगों ने देखा होगा कि बाजार की एक सामान्य सी प्रक्रिया है, अगर आपने देखी है कि आपके यहाँ गेहूं अगर अधिक उत्पादन हो जाता है तो बाजार में आपने देखा होगा वो सस्ता हो जाता है और किसानों को इसका नुकसान उठाना पड़ता है, और इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अगर कानून बन जाता है, गारंटी मिल जाती है, तो किसानों को एक तरह से आप कहिए कि बहुत बड़ी सुरक्षा मिल जाएगी। अगर हम लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य के उद्देश्यों की बात करें, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का सिद्धांत निम्न उद्देश्य प्रेरित है, यानी कि इससे निम्न उद्देश्य पूरे हो सकेंगे। किसान कृषि के क्षेत्र में निवेश को बढ़ा सकेंगे और किसान उत्पादन को बढ़ाए बढ़ाए जिससे खाद्य सुरक्षा
और कृषक आय सुनिश्चित हो सकेंगे, यानी कि किसानों की एक तरह से स्थिति सुधरेगी, और किसानों के पास उन्नत कृषि तकनीकों को स्वीकारने की प्रेरणा और निवेश दोनों ही उपलब्ध होंगे। अभी आप देखिए हमारे देश में किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता है, लोगों का किसानों से एक तरह से किसानी से उठ रहे हैं, वो छोड़ कर उससे जा रहे हैं, समझ रहे हैं? क्योंकि आप देखिए उसमें एक तरह से गारंटी की कोई लाभ की कोई गारंटी नहीं होती है। अगर आपसे कभी पूछी कि MSP का यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है आखिर, तो याद रखिए कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर फसलों की बुआई के समय ही न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी जाती है, और इससे किसानों की बार्गेनिंग पावर में वृद्धि होती है, और वर्तमान समय में यह 23 वस्तुओं पर यानी कि 23 फसलों पर जारी किया जाता है, जिसमें 7 अनाज हैं जिनमें आप देख सकते हैं धान हो गया, गेहूं हो गया, जौ, बाजरा, मकई, ज्वार, रागी, और 5 दलहन है, इसमें चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर है। 8 आपकी तिलहन है, इसमें मूंगफली देख सकते हैं, सरसों देख सकते हैं, सोयाबीन देख सकते हैं, सूरजमुखी के बीज, तिल, कुसुमद और नाइजर। इसके साथ ही आप नारियल, कच्चा कपास, कच्चा जूट और तंबाकू भी आपके शामिल किए गए हैं, तो इन्हें याद रखिएगा, और किसी लागत एवं तथा मूल आयोग को भी आप लोग याद रखिए, यही एक तरह से इसकी सिफारिश करता है। यहाँ एक शब्द और याद रखिए, गन्ने पर न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं होता है, और जिस क्षेत्र में आप लोगों को गन्ना बुआई होती होगी वहां से अगर आप लोग संबंध रखते हैं तो आप लोगों को भली भांति मालूम होगा। गन्ने के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य का निर्धारण करती है, तो इस पॉइंट को बड़े अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर हम लोग MSP के लाभ की बात करें कि आखिर MSP के क्या क्या लाभ हो सकते हैं किसानों को, तो भारी उत्पादन की स्थिति में बाजार के नियमों के आधार पर अनाजों के मूल्य में गिरावट होनी चाहिए, परंतु न्यूनतम समर्थन मूल्य इस प्रकार की अनिश्चितता से किसानों की रक्षा करता है। आप लोग बाजार में देखते हैं ना, जब आलू आने लगते हैं, नए आलू आप देखते हैं कि आने लगते हैं, और टमाटर आने लगते हैं, सबसे ज्यादा आने लगते हैं, उस समय आपने देखा होगा क्या होता है, मूल्य गिर जाता है, यानी कि सस्ते हो जाते हैं। और आपने देखा होगा कि जब उत्पादन कम हो जाता है, उत्पादन टमाटर का कम हो जाएगा तो बाजार में कमी आने लगेगी, उससे क्या रहता है कि आपने देखा होगा कि एक तरह से उसकी महंगाई बढ़ने लगती है, कीमत बढ़ने लगती है। तो MSP से एक लाभ तो किसानों को ये मिलेगा कि उनकी एक तरह से सुरक्षा हो सकेगी, अगर अधिक भी उत्पादन हो जाता है तब भी उन्हें फिक्स रेट मिलेगा, और कम भी होता है तब भी उन्हें अच्छे से रेट मिल जाएगा। MSP में सम्मिलित फसलों में मुख्य रूप से अनाज और दलहन सम्मिलित हैं, और जो खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य को पाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं, और इसे किसानों को निवेश और वित्त की पहुंच और उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रेरणा प्राप्त होती है, और कृषि में निरंतर घटते लाभ को ध्यान में रखते हुए कृषकों के लिए MSP एक आशा की किरण भी है। अब आप बात करें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में समस्याएं क्या हैं आखिर, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो नुकसान भी होते हैं, फायदे भी होते हैं, तो फायदे तो आप लोगों ने देख लिए, और आप लोग नुकसान भी देख लीजिए, समस्याएं भी देख लीजिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य में कुछ ही फसलों को सम्मिलित किया गया है, अतः एक निश्चित लाभ की आशा में कृषक मात्र उन्हीं फसलों को उत्पादित करता है जिससे फसल चक्र प्रभावित होती है और अन्य फसलों का उत्पादन रुक जाता है। MSP का मुख्य लाभ हरित क्रांति से प्रभावित क्षेत्रों में ही हुआ है, और इस क्षेत्रों के किसानों ने अपनी जलवायु को ध्यान में न रखकर MSP में सम्मिलित अनाजों का उत्पादन किया जिससे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ा है। भी आप देखते हैं नई नई खाद आ रहे हैं, जो आप देखते हैं कि आपकी वायु प्रदूषण हो या आपकी मृदा प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, इनको बढ़ावा देता है। उत्पादन के लिए देख सकते हैं पंजाब में चावल के उत्पादन हेतु भूमिगत जल का दोहन, सरकारी क्षेत्र में भ्रष्टाचार, कठिन नियम तथा किसानों में जागरूकता के अभाव के फल स्वरूप MSP का लाभ मिडिल मैन को प्राप्त होता है, जो किसानों से कम दाम में फसल ले लेते हैं और सरकार को MSP के दाम पर विक्रय कर देते हैं, यानी कि बेच देते हैं। और इसे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से तब समझ पाएंगे मुझे लगता है जब आप लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते होंगे, जहाँ खेती किसानी होती है उस क्षेत्र में रहते होंगे, आप आसपास देखते होंगे, क्योंकि आपने देखा होगा सेठ ऐसे क्या करता है, खरीद लेता है, वो फिर सरकार को बेच देता है। कृषि में सुधार हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य को युक्ति संगत बनाना अनिवार्य है जिससे अधिकतम लाभ किसानों को प्राप्त हो और राजकोष पर कम से कम भार पड़े। और आपको बता दूं किसानों की हालत भी सुधरेगी, अभी आए दिन आप लोग सुनते रहते हैं ना कि सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उन पर भी एक तरह से आप देखिए रोक लगेगी। तो यही है MSP का मुद्दा और MSP की कहानी, और इसलिए इसे बता दिया क्योंकि आप देखिए इससे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में भी आते रहते हैं कई बार।